कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस के मैनोफेस्टो और जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंगा है। कांग्रेस ने शासनकाल में देश की जनता बदहाली में जीने को मजबूर की। कांग्रेस को हमारे देश भारत से नफरत है। कांग्रेस ने आज तक जो भी घोषणा की उसे अपने राज्य में कभी लागू नहीं किया। सभी पत्रकारों को राम राम। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस घोषणा करती ही है क्योंकि वह बस घोषणाएं करना ही जानती है। भाजपा संकल्प पत्र लाती है क्योंकि हम अपने संकल्प को पूरा करना जानते हैं। जनता को विश्वास है कि भाजपा के संकल्प पत्र में जो लिखा हुआ है वह पूरा होने की गारंटी है क्योंकि इसके पीछे मोदी की गारंटी है। कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने दशकों के शासनकाल में देश को सम्मानित जनता को और गरीबी और बदहाली ही मिली है। जो लोग जो भारत को भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने की बात कर रहे हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के 70 वर्षों तक देश के तस्वीर और तकदीर को साथ धोखा किया है। वास्तव में कांग्रेस को भारत से नफरत है इसलिए वो हमेशा देश को बदनाम करने के बारे में सोचती है। वे वोट देने वाली जनता को राक्षस कहते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं और देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के समर्थन में खड़े होते हैं। कांग्रेस वैसे ही झूठी घोषणाएं करने के लिए ही जानी जाती है। कांग्रेस ने जो घोषणाएं करी उस